हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे हमारी जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है, उसके बारे में। जो हमारा अगला टॉपिक है वो होता है फिजन एंड हाइड्रोलाइटिक। फिजन के बारे में अपन बात करेंगे कि एक्चुअली कहाँ पे हमारे पास काम में आता है और कहाँ पे नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको पढ़ने से पहले कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की अपन बात कर लें। यहाँ पे मैंने लिखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। यानी ये हमारे पास एक सेकंड जो पीरियड है उस एलिमेंट्स की अपन बात की है। तो इन सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। और लिस्ट कौन सा होता है हमारे पास? लिथियम होता है। ये हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं होमोलाइटिक फिजन एंड हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ कार्बन। तो ये कहां पे लगता है, मैं कुछ दो चार एग्जांपल लिखता हूं। मैं टॉपिक्स के पढ़ने से पहले अपन बात कर रहे थे, फिर से हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे यहाँ पे किसी प्रकार के कोई काम के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और कार्बन कौन से ब्लॉक से आता है? पी ब्लॉक से। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और 10th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड थे वो किस प्रकार बनते हैं। जब क्या होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे, दोनों एलिमेंट्स अपने एक वाला अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा देगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो हो गए। तो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर जब बनेगा आपस में वन बाई वन, जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, शेयर करने से हमारे पास क्या बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आसान है। अब उसी बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इस वाले एग्जाम्पल में किस किस के बीच में बना हुआ है? कार्बन के बीच में। और किसके बीच में बना हुआ है? सीएल के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ है? क्लोरीन के बीच में और कार्बन के बीच में बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल नंबर दो, और एग्जांपल नंबर क्या हो गया? तीन। एग्जांपल नंबर तीन में देखते हैं बेटा, जो हमारा ये कोवलेंट बॉन्ड है किस किसके बीच में बनता है हमारे पास? यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है? कार्बन है। तो आप लोग देखिए, हमें यहाँ पे जो मैंने लिखा है फिजन बुक में कई जगह आप लोगों को मिल जाएगा, ये होता है हमारे पास पीविज नाम से। फिजन बोल दो, ब्रेक बोल दो, और टीविज बोल दो, कुछ भी बोल दो, सभी का मतलब है हमें क्या करना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है बॉन्ड को। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेटेरोलाइटिक। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है? नॉट सेम। आसान है। तो हम बात करते हैं कौन सा होमो होगा, कौन सा हेटेरो होगा। आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बना है कार्बन और किसके बीच में बना है? सीएल के बीच में। अब कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट होने के कारण और ज्यादा किसके दौर में से? क्लोरीन की है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे पास? इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर से देख लें, सिंपल सा लो कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से भरा बेटा? दो इलेक्ट्रॉन से, एक इसने दिया और एक दिया इसने, ठीक है। यानी ये बॉन्ड बना है कितने इलेक्ट्रॉन से? दो इलेक्ट्रॉन से। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो किधर ले? एक एक दे, अपन इनको वापस से एक एक दे, इसको दो दे, या क्या करें इसको अपन दो दे। देखिए कार्बन और क्लोरीन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव होता है। क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा? सीएल विड्रॉ करेगा। सीएल विड्रॉ करेगा तो हमारे पास चार्ज क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। और पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर आ जाएगा। आसान है। फिर से देखें, इन दोनों में से क्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? सीएल के पास। और कार्बन के ऊपर चार्ज कैसे आएगा? पॉजिटिव। और सीएल पे आएगा नेगेटिव। तो आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे क्या कि दोनों के दोनों जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? ट्रांसफर करवा दिए। इसको करवाए दोनों के दोनों, यानी इस बॉन्ड के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? सीएल को। और कार्बन को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जिससे हमारे पास
कार्बन और क्लोरीन दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्लोरीन, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव। फिर से क्या हुआ, जो दो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के वो किधर आ गए, सीएल के पास, इसके पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने रह गए जीरो इलेक्ट्रॉन सॉरी किधर। इसके बाद क्या बेटा, कार्बन कार्बन दोनों के दोनों क्या है हमारे पास सेम एटम है, सेम एटम है तो क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन से वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है या कौन से वाले की क्या है कम है, नहीं बता सकते। अपन नहीं बता पाने के कारण हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, एक दे देंगे इसको और एक दे देंगे इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। अब आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स में, इस वाले एग्जाम्पल में दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाए इसपे करवाए, दूसरे एग्जाम्पल में किसपे करवाए सीएल पे करवाए, और तीसरे वाले में दोनों को क्या कर दिया मैंने वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अपन बात करते हैं होमोलाइटिक फिजन के सबसे बारे में, अगर हमारे पास कार्बन की जो कंपाउंड्स हैं इन कार्बन की कंपाउंड से बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो कि हमारे पास जो दोनों कार्बन है एक इधर वाला और एक इधर वाला दोनों को इनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाए, तो इस प्रकार का जो फिजन होगा वो फिजन कौन सा हो जाएगा होमोलाइटिक फिजन। कहने का मतलब देखें, जब मैं यहां से बॉन्ड को ब्रेक करूं दोनों सेम एटम है दोनों की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, सेम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर से दिया और एक वाला दे दिया इसको, अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को शो करना है इससे, अपन इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी वन बाई वन अगर अपन जो टू इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे वन बाई वन तो ईच एटम तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास होमोलाइटिक फिजन। अगर अपन करें सिर्फ एक एटम को ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट जैसे मैंने यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है तो इस प्रकार का जो फिजन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास हेटेरोलाइटिक फिजन हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक दो एग्जांपल लेके, एग्जाम्पल नंबर एक देखिए, मेरे को एक तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकर बना है और इसमें करवाना है मेरे को यहाँ से, तो हमारे पास दोनों बॉन्ड्स कहाँ पे होमो होगा कहाँ पे हो जाएगा हेटेरो, ये वाला बॉन्ड है किसके इसके बीच में बन रहा है हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन हो गए सेम एटम हो गए, सेम एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है सेम होती है, सेम होने के कारण हमारे पास जो फिजन होता है कौन सा होता है होमोलाइटिक होता है। क्यों होता है, ये जब दोनों सेम हो गए तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन से वाले को अपने को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो ये बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन से तो दो में से एक दे दिया मैंने इसको और एक दे दिया मैंने इसको, तो वन वन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ईच एटम, हमारे पास इस प्रकार का जो फिजन होगा ब्रेकेज होगा वो कौन सा हो जाएगा होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा। यहाँ पे देखें कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन सा हो गया फ्लोरीन हो गया हमारे पास, फ्लोरीन होने के कारण इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ गए इधर आ गए और यहाँ पे कितने बचे जीरो इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब अगर बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ट्रांसफर कर दें तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास वहां पे हेटेरोलाइटिक फिजन हो जाएगा। अब आप लोग देखिए जब हेटेरोलाइटिक फिजन होता है तो जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करते तो यहाँ पे एक बनता है नेगेटिव और एक यहाँ पे आता है पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब क्या क्या बना यहाँ से सी एच थ्री सी एच टू प्लस और साथ में क्या बन गया एफ माइनस, ये तो हुआ हमारे पास हेटेरोलाइटिक में। बात करें होमोलाइटिक में, होमोलाइटिक फिजन में क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको भी यहां पे चार्जेस तो प्रोड्यूस नहीं हुई चार्जेस प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी कहने का मतलब क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया इसको, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास कंपाउंड किस प्रकार से बना सी एच थ्री सी एच
इसपे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, कितने बने हैं इस प्रकार के, दो बन गए। अब आप लोग देखें यहाँ पे है प्लस का चार्ज, यहाँ पे है माइनस का चार्ज, और यहाँ पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन जिसको अपन ने डॉट के द्वारा शो कर रखा है। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं इनको बोलते हैं कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। नेगेटिव वाले को बोलते हैं अपन एनायन, प्लस वाले को बोलेंगे कैटायन, माइनस वाले को क्या बोलेंगे एनायन। और जो हमारे पास इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन यानी डॉट वाली शो हो इनको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल, बोलते हैं फ्री रेडिकल। आप लोग देखें हमारे पास जब होमोलाइटिक फिजन होगा तो होमोलाइटिक फिजन होने के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है फ्री रेडिकल होता है, और जब हेटेरोलाइटिक फिजन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा कैटायन बनेगा और क्या बनेगा एनायन बनेगा। तो हमारे पास अभी कार जो केटाइन है और ये जो एनायन है, केटाइन से हम हमारी जो कार्बन की जो चैप्टर है इसमें इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन, क्योंकि केटाइन के आगे क्या लगा दिया कार्बन, तो क्या बन गया कार्बोकैटायन। इसी प्रकार एनायन के आगे लगा दिया कार्बन तो क्या बन जाएगा कार्बो एनायन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बो एनायन के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो अपन एक सिंपल चेन के बारे में एक ब्रीफ जानकारी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं। जिनपे प्लस का चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन होते हैं, जिनपे नेगेटिव का होते हैं कार्बो एनायन। इसपे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा शोन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। एक ही तीनों बनते कैसे हैं, फ्री रेडिकल बनेगा किससे, होमोलाइटिक फिजन से बनेगा, और जो कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन है वो किससे बनेंगे हमारे पास हेटेरोलाइटिक फिजन के द्वारा बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हमारे पास फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो पढ़ाया आज इसको क्या करें घर पे रिवाइज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।